आप सभी को शुभकामनाएं। नानु निम्म रुद्रेश आचार्य, हिंदी शिक्षकरु, बीजीएस रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, शरावती नगर, शिवमोग्ग। आज हम दसवीं कक्षा का सातवीं पद्य है, तुलसी के दोहे। इस पद्य का कवि गोस्वामी तुलसीदास। इस पद्य को हम देखेंगे, आइए एक बार इस पद्य को रागबद्ध से सुनकर आएंगे। हाँ चलिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को ये। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को ये। पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, तुलसी तुलसी सहित विवेक। ಅಂಗಗಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ ಅದೇ ತರಹ ಮುಖಂಡನು ಕೆಲಸ ತನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅದರ ಫಲವನ್ನ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಡ ಚೇತನ ಗುಣ ದೋಷಮಯ ವಿಶ್ವ ಕೀನ ಕರ್ತ, ಜಡ ಚೇತನ ಗುಣ ದೋಷಮಯ ವಿಶ್ವ ಕೀನ ಕರ್ತ. संत हंस गुण गही पै परिहरि वारी विकार, तुलसी परिहरि वारी विकार। का मूल है पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न चांडिए जब लग घट में प्राण, तुलसी जब लग घट में प्राण। विद्या विनय विवेक तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक, तुलसी राम भरोसो एक। दीप धरू जीह दे हरि द्वार, राम नाम मणि दीप धरू जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी बुझियार, तुलसी जो चाहसी बुझियार। विद्यार्थियों देखिए, पहला प्यार का भाव देखिए। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास मुख अर्थात मोह और मुख्य दोनों के स्वभाव की समानता दर्शित हुए लिखते हैं कि मुखिया को मोह के समान होना चाहिए। मोह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंग का पालन पोषण करता है।
तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकन होना चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। दूसरा पैर में देखिए विद्यार्थियों, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास अंश पक्ष के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलकर बनाया है, अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे, सार और निस्सार, समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। लेकिन अंश रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। तीसरा पंक्ति में देखिए विद्यार्थियों, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास ने स्पष्टतः बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। चौथा प्यार में देखिए, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या, विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाता है। जो राम पर भरोसा करता है वह साहसी, सत्यरुति और सुकृतवान बनाता है। विद्यार्थियों अंतिम पंक्ति देखिए, प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्य में इस तरह भावार्थ सभी अच्छे रीति से ध्यान से पढ़िए और